दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम अपन सरोकार में हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन करै छी। कार्यक्रम अपन सरोकार में विभिन्न सरोकार पर विभिन्न व्यक्तित्वक संग उपस्थित भ वार्तालाप हमरा सबके होइत रहैए। आजुक दिन बातचीत करब मिथिला आर्ट जे एकटा जनकपुर प्राचीन मिथिला के राजधानी जनकपुर धाम के चिन्हारी छै, परिचय छै। मिथिला आर्ट USA अर्थात अमेरिका पहुँच गेल छै, ओतऽ नीक बाजार प्राप्त कर रहल छै मिथिला आर्ट। अपने सबके जानकारी कराबी, अप्रैल 8 तारीख से 12 तारीख धरि ओतऽ मिथिला फेस्टिवल के आयोजना कयल गेल रहै, 5 दिवसीय। ओ मिथिला फेस्टिवल आयोजना पाछू बहुत उद्देश्य सब छै, ओहि उद्देश्य सबके विषयमे अपने सबके आइ जानकारी कराएब। आ आजुक हमरा सबक अतिथि एकटा विशेष व्यक्तित्व छथि, जिनका अनुभवी व्यक्तित्व कहल जा सकैए, थिंक टैंक कहल जा सकैए। आ हुनकर सक्रियता आ पहलमे करीब करीब हमरा बुझाए सहियो सब बेसी देश के मुख्यालय रहल अमेरिका के न्यूयॉर्क में 5 दिवसीय मिथिला फेस्टिवल के आयोजना कयल गेलन। आ ओ UN के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में 10 साल काज कयने छथिन। तहिना अपने सबके जानकारी कराबी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जे चैम्पियन घोषणा कयल जाइ छै, ताहिमे UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड सँ सम्मानित पहिल नेपाली छथि नवल किशोर यादव जी, हुनका संगे बातचीत करब विभिन्न प्रसंग पर। स्वागत है सर कार्यक्रम में। धन्यवाद सुमन जी। बहुत नीक काज कलिए अमेरिका में, तो हमें न्यूयॉर्क जत 103 टा देश से बेसी मुख्यालय सब छै विभिन्न देश सब के, ओत एकटा मिथिला फेस्टिवल क मिथिला आर्ट के विषय में विभिन्न देश के राजदूत सब, ओत के पर्यटक सब कही जे अपना सबके पर्यटक भ कबै छथिन नेपाल में, तहिना नेपाली सबके सेहो नहि बुझल रहै जे मिथिला आर्ट की छै, हुनका सबके इकट्ठा कऽ कऽ न्यूयॉर्क में अतेक बड़का परिचय देलिए। तहूमे जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयर साहब के ओतऽ लऽ जा कऽ जनकपुर संग जोड़ि कऽ मिथिला आर्ट के परिचय करेलिए अपने सब, बहुत नीक काज कयने छियै, केना सफल भेलै इवेंट? धन्यवाद। कोनो इवेंट आयोजना करै के लेल कते मेहनत करै पड़ै छै, अहाँ सब सब परिचिते छी कि ने। ताहिसँ एकर पहिले आइडिए कि मिथिला फेस्टिवल न्यूयॉर्केमे कतै हो, या मिथिला फेस्टिवल की कहै छै कि बाहरे कोन जरूरी है न्यूयॉर्कमे कैला उद्देश्य की जे सही बात छलै। तब हम तऽ की कहै छै कि मान लो अब अथी न्यूयॉर्कमे 10 वर्ष UN हेडक्वार्टरमे काज कयलाके बादमे जब कभी मनमे होइत रहल कि जनकपुरेसँ हुरकल बढ़ल छी तऽ जनकपुरोके न्यूयॉर्कसँ केना सम्बन्ध कोनो होइ, एहि किस्मके प्रयास जे है से मनमे एकटा होइ छलै। खास करके जब मोदी जी बनारसके जोड़लन क्योटोसँ, तऽ ताहिके बादमे हमर मनमे व्यक्तिगत जब कभी होइत रहलै कि हमहूँसब किछु प्रयास करिए कि जनकपुरके न्यूयॉर्कसँ जोड़ैके किछु प्रयास हमसब करी। सफलता बादके बात है, लेकिन प्रयास तऽ होइ पड़लै, ई मनमे भावना छलै। ताहि प्रसङ्गमे जेना मानि लिअ जनकपुरके जानकी मन्दिरके वर्ल्ड हेरिटेजमे वाला बात सब सेहो सब एकटा छलैए, तऽ एहि सङ्गमे एकटा की कहै छै कि नेपालके 2020 जे विजिट नेपाल अथी मना जा रहै पर्यटनके, एकटा मैक्सिमम टूरिस्ट सब लाइक एक गवर्नमेंटके एकटा जे नीति छलैए, तऽ हमरा अपने सबके बुझाएल कि एकटा निमन अवसर है कि हमसब एहिमे एकटा जनकपुरके पहचान बनाए। तऽ विजिट नेपाल 2020 के संसार भरमे एम्बेसी सब नेपाल जे है हर जगह किछु ने किछु सब हो रहल यऽ, होल प्रयास भेल कि बेसीसँ बेसी टूरिस्ट लाउ अगला साल। तऽ हमसब सोचलियै एकटा निमन अवसर है कि जनकपुरके हमसब तऽ पहचान बना सकी, तऽ ओहिए जे है से तब आब जनकपुरके पहचान बनाबैके लेल कोन माध्यमसँ करी आ कोन स्टेजमे करी, कैसे एकटा छलै। तऽ हमसब सोचलियै कि अब एहन मौका तऽ बार बार नहि मिलै छै, ताहिसँ एक एक गो मौकाके हमसब मल्टी डायमेंशनमे एकरा यूज करी ताकि बुझाइ कि हम एहि अवसरके पूरा यूज करी। तऽ एकटा तऽ आर्टके बारेमे कल्चरके बारेमे छलैए, दोसर UNOमे हमर मिथिलाके बारेमे केना हमसब जे है से अपन एकटा सहभागिता देखा सकी, ताहि किसिमके एकटा सेहो एकटा पक्ष छलैए। तऽ ओहिमे अहाँके जनकपुर नारी विकास केन्द्र से अहाँके सस्टेन डेवलपमेंट गोल 2015 सितंबर जे स्वीकृत कल गई 193 कंट्री पास कल गई रिजोल्यूशन UNमे कि 2016 से लेकर 2030 तकमे 17 टा ब्रॉड गोल बनल की जेकि विश्वके एहि लेवलमे पहुँचल। तऽ ओ 17 टा गोलके जेना फर्स्टमे अहाँके है नो पॉवर्टी, सेकेंडमे है जीरो हंगर, ताहिके बादमे 4 नंबरमे अहाँके क्वालिटी एजुकेशन, एहन सस्टेनेबल सिटी, डिफरेंट टॉपिक्सके है 17 टा है। तऽ ओकर जे है से ओ 17 टा गोलके 17 टा पेंटिंग नारी विकास जे है से
जनकपुर के कुआ के से बनल के आकर 17 गो पेंटिंग यूएन ऑफिस काठमांडू में वो से गैलरी में जैसे लगे तो यूएन में गेलों के बाद में हम सब जना अली रिटायर होला के बाद में ली तो ओठाम गेल छली दोसर प्रसंग में तो देखली ओठाम लागल तो हमरा बड़ा अथी लागल ये नारी विकास केंद्र से हम पहले से जुड़ल छी 2000 ऐसे मैं 19-20 पहले करी एज ए फाइनेंस कंसल्टेंट के रूप में बीच बीच में आयल छी तो हमरा बीचों में हम जाए छलिए तो हमरा मालूम पड़े कि ये पेंटिंग बनैली है वही के लाइक तो जाके देखली आ कते माया करके यूएन ऑफिस काठमांडू का सजा के रखले है तब हमरा अपना मन भेल कि जब यूएन एठाम कहि रहल है तो अइ चीज के जे से हम सब हेडक्वार्टरों में यदि प्रमोट करी तो अखनी काठमांडू मतलब गर्व कहि रहल है कि मिथिला पेंटिंग एते सुंदर है आ सस्टेन डेवलपमेंट गोल के मैसेज कते निमन कन्वे करी जाए यदि हम सब एक हेडक्वार्टरों में एक निमन इंप्रेशन दे सकी तो हम सब वर्ल्ड से जुड़ सके ओहिठाम तो सारा 193 कंट्री के एम्बेसडर ओहिठाम रहै छै हर एक दिन भाग लेवे अबै छै तो तै से एक मन में वो जे से सपना कि ओहिठाम वही आइडिया में करूँ ताकि हर एक देश के आदमी देखो कि मिथिला पेंटिंग केना सस्टेन डेवलपमेंट गोल में कंट्रीब्यूट कर रहा तो तै से मिथिला फेस्ट वही एगो पार्ट हम सब रखली अब एक दिन मात्र राख देवी तो समय मैनेजर के फुर्सत न होती आइए देख सके कि मीटिंग में बिजी रहल तो तै कारण वही तो 5 दिन एग्जीबिशन हम सब कही ताकि जैसे कोनो न कोनो रूप में डिप्लोमैट सब ये हेडक्वार्टर में हमारे समय जाए हमें देखो कहते हैं तो तै अनुसार एगो पार्ट से छी तो वही में लेकिन हेडक्वार्टर में कथी है कि ओनली लिमिटेड एक्सेस है टाइम के लिमिट है एते बजे से एते बजे तक है बाहर के आदमी के अहाँ के अथी परमिशन लेने दिक्कत लिमिटेशन है तो तैसे यदि हम सब यदि सब ई एग्जीबिशन मिथिला फेस्ट खाली उतने में सीमित कर देवे तो खाली डिप्लोमैट सर्कल के मात्र पता चलते लेकिन अमेरिका तो डिप्लोमैटे से मात्र भरल तो नहीं है बड़े बड़े व्यापारी है फिलोथ्रफिस्ट सब है एकेडमिशियन सब है तो ओकरो सबके पता चले तो वही के लागी न्यूयॉर्क में अहाँ के हेडक्वार्टर से बाहर एक मेन सेंटर में एक आर्ट गैलरी हॉल में से कल जाके गए तो वही में ताकि अहाँ के जते जैसे से टूरिज्म से रिलेटेड जैसे अहाँ के ट्रैवल से रिलेटेड है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड लोग सब है फिलोथ्रफिस्ट है जो आर्ट एंड म्यूजियम के गैलरी जैसे वही चल रहे थे इन्वाइट कल जाए एक किस्म के दू पहलू में हम सब सोचली तो तैसे 5 दिन हेडक्वार्टर में आर्ट के बारे में वही आर्ट के माध्यम से हम सब देखली कि हमारे मिथिला कल्चर कते रिच है आ मिथिला कल्चर सस्टेन डेवलपमेंट गोल के लागि केना अपन कमिटमेंट शो कर रहा है अ किस्म से पार्ट के अथी कैली आ दोसर पार्ट से जेकि अहाँ के फेस्टिवल के रूप में ओहिमे और सांगीतिक कार्यक्रम इमरजेंस भेलै आ तेसर पार्ट कथी छलै कि हम सब जना कहली कि मतलब ई प्रोग्राम से मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़े जनकपुर के चिन्हारी बढ़े कहीं कहीं किस्म से करे के लागि जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका के मेयर साहब के ओत बजाब के उद्देश्य की रहे तेकर बाद ई इवेंट भेले 5 दिवसीय लेकिन ओय के पछाड़ी बहुते उद्देश्य सब रहे छे की काज सब आगा बढ़ल जनकपुर के खास कर अच्छा बहुत सुंदर बात कर जनकपुर के हम सब अब मिथिला के राजधानी जनकपुर है कि ना से हम सब सोचलिए कि मतलब हम सब ई दू नंबर प्रदेश है लेकिन प्रदेश के बात नहीं करे हम सब मिथिला के बात करे तो मिथिला के पहचान यदि भौगोलिक रूप में देखबे जनसंख्या रूप में देखबे तो नेपाल से बेसी इंडिया में पाल है कि ना लेकिन हम सब की सोचलिए कि नेपाल ने हम ही कथा ने लीड करी कथा राजधानी तो हमारा सब ला है कि ना राजधानी हमारा सब ला है तो हम ओकर क्लेम करी है कि ना तै से हम सब पहले आइडिया की छे कि यूनाइटेड मिथिला फेस्टिवल मनाई से आइडिया छे जैमें कि इंडिया के झारखंड बिहारों के लोग जुट के कम्बाइंड जैसे हो लेकिन फिर हम सब कहिए नहीं यदि हम सब वही में जाए तो बेसी जनसंख्या ओकरा है तो वो सब जैसे ओवरटेक कर लेते तो हम सब साइडों में पड़ जाए आ हमारे मेन उद्देश्य तो जनकपुर के प्रमोट करे के आ राजधानी जनकपुर छे तो इसे मिथिला के नाम से शोकेस के रूप में जो हमारा सब लही धरोहर से बिहार झारखंड में नहीं है तैसे हम अपन जैसे कथा डाइल्यूट करो हम ही सब लीडर बने कह के तै अनुसार जैसे हम सब यूनाइटेड वाला सब रखे मिथिला फेस्टिवल में जैसे गेले कल हम सब 16 ई चीज के करल तो अभी जनकपुर में जनकपुर के हमारा फोकस करके कैपिटल के बेस में करे के है तो हम सब जैसे कम्प्लीटली जनकपुर के आधिकारिक व्यक्ति होते तो मेयर साहब है लेकिन तो मेयर साहब के हम सब कहें कि मेयर साहब के लाना सबसे निमन रहते ताकि ओकर दूटा मकसद एक मकसद कथी है जनकपुर के मेयर जनकपुर एरिया भर के लागी फुल्ली डेडिकेटेड एंड रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति
अधिकार उनका पास में बजटो है। तो यदि जनकपुर के विकास के बारे में कुछ कमिट करे के है तो हर जो है सबसे पहला मौका मिले के चाहिए, है कि ना। दोसर सबके बहुत ही लंबा टेरिटोरी है, उनका पास में टाइम न दे, लेकिन ये तो फुली डेडिकेटेड है। आ जनकपुर हमारे ये बड़का ऐतिहासिक जगह है, तो इसे सबसे उपयुक्त व्यक्ति मेयर होते जिनका हम सब एक मौको दी कि अमेरिका में की है, अमेरिका के विकास देखे को मौका मिले, अमेरिका के बड़का ऑफिस देखे का मिले, अमेरिका के जो सीनियर पोजिशन के लोग तीनको से भेज के मौका मिले, ताकि उनको जीवन में अनुभव बुझाते कि अठाम विकास केना भेले ते किसी में कुछ सेहो होते। आ वही सबसे एक नया ऊर्जा उनको में आती कि जनकपुर तो ये बड़का महत्व के शहर है, हमरा ये दुनिया देख रहा है, तो हम रियली कुछ जैसे जनकपुर के लिए और मन से करी, अ किस्म को उनको में भावना जगे। आ प्रयास में बाहरों से सहयोग हम सब जुटवा सके, तो प्रयास से मेयर साहब के हम सब कहली कि हुनके बोलावे के चाहिए, क्योंकि अ बारे में एकदम कि एम्बेसी समय बातचीत क के ते बाद में हुनका सबसे सहमत करेलिए। आ तभी तब के ओन से होगा तब हिंदा अवगत करेली एना हम सब इन्वाइट कर अहाँ के चाहिए। आ हमारे इवेंट सर हाँ की उपलब्धि भेलै दीर्घकालीन उपलब्धि सर जे काल जाकर जनकपुर के मिथिला क्षेत्र के फायदा भ सके। बहुत सुंदर प्रश्न। तो एक पहला फायदा कि थी भले कि मान लो न्यूयॉर्क जो है से अहाँ के संसारे के इंटरनेशनल कैपिटल यूनाइटेड नेशन होला के कारण 193 कंट्री के सब राष्ट्राध्यक्ष या प्राइम मिनिस्टर जे है हेड ऑफ द गवर्नमेंट से हर एक साल ओकर महासभा में जाए भेंट करे, है कि ना। तो मान लो जो है आते के बाद में हर एक देश की एम्बेसी वही ठाम, तो वही ठाम यदि मिथिला के नाम के प्रचार प्रसार होकर मतलब दुनिया में जाए, है ना। तेने व्यापारिक जगह है, वही फिलेंथ्रोपिस्ट ओतने है मिलियन अखनी अहाँ के ब्लूमबर्ग 1,60,000,000,000 डोनेट कल यूनिवर्सिटी। तो मतलब वही अमेरिका में कमाइले मात्र नहीं बिलो विशाल वाला लोग सब जो कि बिलियन डॉलर जैसे डोनेट करे, जे यूनिवर्सिटी से पढ़ल छे तेम डोनेट जैसे कल के। तो वही ओहन जगह में हमर सबके यदि पहचान यदि बढ़ाए आ वही से एको दूटा आदमी यदि इसे जुट गए तो इसम का फलट हो सकते। तो वही प्रयास के सिलसिला में हम सब चाहिए कि एहन जगह हम सब जुटे के कोशिश की जैसे विशाल दिल है, जैसे से हमरा सबके सहयोग मिलते, हमरा सबके ऊर्जा मिलते ते किसिम से। तो ओकर पहला प्रयास तो एकटा की छे कि जनकपुरो मैप में है, जेना नेपाल संसार में है के बहुत ही अमेरिकन के मालूम नहीं है, कहते उस सब ज्योग्राफी नहीं पढ़े छे, ओकर अपने अमेरिके में बेसी भूल रहल है कि ना। तो तेहने जनकपुर और नहीं लोग जाने छे, लेकिन अ किस्म से हम सब जनकपुर के ओहिठाम प्रचार प्रसार मिथिला के नाम से जे कर रहल छे, तो ओकर जे पब्लिसिटी होती तो एक बड़का टा के तो इहो भेलै कि उसब कहते ओहो जनकपुर एहन चीज है के एकटा नाम के पहचान भेल। दोसर चीज कथी ओहिठाम सबसे धनी सबसे उदार दिल वाला लोग सब से हो है। अब जना अहिठाम मान लो जनकपुर नारी विकास केंद्र के स्थापना मान लो क्लेयर बर्केट जे से कल के आई से 30 वर्ष पहले। अब अमेरिका के लड़की अहिठाम आके गाँव गाँव में देखल की जो मिथिला पेंटिंग वैसे आकर्षित हो गए अहाँ के सब कलाकार सबके ला के बनल के, तब वही के लोग जे चीज मन लाग गए उमे जो जी जान धन सम्पत्ति सब दे दें तेहन किस्म के लोग सबसे। तो तई से हम सब चाहिए कि वही जगह लाइन टारगेट करी जैसे कि विशाल हृदय आ रिसोर्सो है वही जगह करी। तो तई से एक कि है कि मतलब यूएन से जुट ली कि एक हमारे सबके हेरिटेज एक वैल्यूबुल है, वही है कि जैसे अहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हम सब जुट लिए, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 10-30 हज़ार मेम्बर है ना, ग्रेटर न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो वही से जुट ली, तक टूरिज्म वाला जो पार्टा है तक से जुट लिए, अभी और इलेक्टेड ऑफिशियल से भले। तो एक जनकपुर के फायदा होकर मतलब डिफरेंट डायमेंशन हम सब गाँव के लिए बहुत रास्ता सब खुल है, बहुत रास्ता सब खुल है हमरा सबके जना अपना ही सबसे जानकारी भेटल जे आब इहो प्रक्रिया आगू बढ़ गेल छे जे अमेरिका में प्रत्येक अप्रैल के 12 तारीख के दिन मिथिला आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल मनाओल जेते अमेरिका में, जखने ऊ प्रत्येक वर्ष मनाओल जेते 12 तारीख के दिन अप्रैल में, तब मेयर साहब जे हने एत मिथिला आर्ट एंड कल्चर से जुड़ल कलाकार ने विभिन्न सेक्टर के लोग सब ओत पहुँचते अवसर भेटते एक की कत धर पहुँचल से प्रक्रिया है कतक संभावना से होगा के ठीक है। जना यही ए प्रोग्राम में अहाँ के मेन तीनटा इवेंट मैनेजमेंट कल से तीन कोई कथिन, जना कि एकटा परमानेंट मिशन ऑफ नेपाल जो नेपाल के एम्बेसी भेलै यूएन के लागि से, कंसुलेट जनरल ऑफ नेपाल जो कि अहाँ के महावाणी दूतावास भेलै, थर्ड नेपाल अमेरिका फाउंडेशन ओ एनजीओ है जो कि इवेंट मैनेजमेंट करै छै, है ना। तो ये तीनों कोई कल के अठम नगरपालिका सपोर्टेड बाई नगरपालिका को नाम हम सब रखल, लेकिन नगरपालिका एको पैसा न डोनेट कल के
जैसे एम्बेसी सब कहले छले कि इसमें तो चाहे वहाँ नगरपालिका को नाउ भे नगरपालिका ले कंट्रीब्यूट करनु पड़े तो हम सब कल कि नगरपालिका के ऐसी चीज बजटे नहीं कल बजटे एलोकेट ना कल पते नहीं कि इवेंट हो वाला है तो नहीं तो बजटे नहीं तो कहाँ से कर सकते तैसे अब अहाँ सब करियो आ बाहर जे से और डोनेशन सब कलेक्ट करे पड़ती तो नेपाल अमेरिका फाउंडेशन अपन ट्राई अपन वो कह के मैनेज कर के संभव है कि ना तो कह के मतलब कथी कि नगरपालिका के बिना एक पैसा लगानी से अहाँ के पहला इवेंट है और पहले यदि ये बात कहती तो नगरपालिका के विश्वास न होती कि एहन काम होती कह के न तो हम सब पहले कामें करूँ ते के बाद में हमारे उत्साह बढ़ते तो मान लो नगरपालिका के एक आँख से मेयर साहब गेलन देखलथिन कि एहन बड़का इवेंट भैया तो आब जो 12 अप्रैल के यदि प्रोग्राम यदि फाइनली न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल यदि पास कल के जो बहुत संभावना पास होबे करते करते तो हर एक साल एठाम से टोली जाते नगर पालिका टोली जतै मिथिला सांस्कृतिक टोली जतै ऐसे की कहे कि हर एक साल हमर सबके कनेक्शन न्यूयॉर्क से जनकपुर के दूरी जैसे नजदीक होते ऐसे एक नया जैसे ऊर्जा अथे अ संबंध के लिए हम सब ये विभिन्न जगह मीटिंग कैली जैसे न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल के मेम्बर जो बहुत पावरफुल एक मेम्बर मिस्टर कोस्टा हनको से बातचीत कैलिए वो आदमी एत उत्साह हम सब कहलिए कि न्यूयॉर्क तो डाइवर्सिटी के अनुपम उदाहरण दुनिया में एहन उदाहरण दुनिया में कोनो शहर में नहीं है जैसे कि संसार के सब देश के आदमी रहे थे क्वींस बोरो में मात्र जैसे अहाँ के 190 कंट्री के आदमी रहे थे 250 जैसे भाषा वही बोले है कि ना आ वही जैसे अहाँ के 100 गो वोटर जो है तेमें अहाँ के 48 गो तो अमेरिका से बाहर जन्मल है न्यूयॉर्क स्टेट नहीं अमेरिका से बाहर जन्म है तो डाइवर्सिटी के अनुपम उदाहरण है तो वह बात हम सभी कुछ कहिए कि ये देश ये शहर तो एहन जे कि से डाइवर्सिटी को वेलकम करिए हमर सबके मिथिला के हजारों वर्ष के इतिहास है आदर्श पुरुष राम के मतलब आदर्श जीवन शैली सीता के माता के सैक्रिफाइस हनुमान के मान लो सब जैसे निष्ठा या कि कहे लक्ष्मण के मान लो पूरा कमिटमेंट एक बदल के प्रति मतलब हर एक जैसे मतलब एठाम के हमर सबके सभ्यता में जो आयल है वही चीज ये चीज़ तो दुनिया के लिए बहुत बड़का महत्वपूर्ण है अखनी तो दुनिया में सबसे बड़का सहिष्णुता एक दोसर के प्रति सद्भाव के खाँचो है आजकल जैसे कि नया मॉडर्न पैसा तो लोग पास में अल है टेक्नोलॉजी अल है लेकिन ऐसे डिटैचमेंटो जैसे बहुत अल है कि ना पहले हमारे सबके बचपन के टाइम में गाँव में देखी बच्चा सब हम सब बच्चा के टाइम में कोनो गेस्ट आ कुछ दौड़ के ये गेले अब अखनी देखिए तो घर घर में खाली मोबाइल चला बातों नहीं करल है कि ना तो ये डिटैचमेंट आ रहे थे ऊ चीज जैसे हम कल के हमर सब के मिथिला कल्चर के अटैचमेंट के बात करे सद्भाव के बात करिए रेस्पेक्ट के बात करिए टॉलरेंस के बात करिए जैसे हमर सब के कल्चर तो जैसे जो पुरान है तक तो जैसे अहाँ सबके वेलकम करे के चाहिए कर लाइन ये डाइवर्सिटी वाले कथा नहीं बुझे वो कोष्टा एत प्रभावित भले कल के बहुत निमन जैसे के लिए हमरा गर्व लागत के चीज़ के प्रपोजल पेश करेंगे जैसे कहते कहोगे से हम ए बारे में हम बाद में कमी कर उठा के हमारे सबके मीटिंग होगा कि 3 दिन बाद क्लोजिंग जो रहे 12 तारीख के दिन वो रिटर्न चिट्ठी से तब जो इशू पठेलन कि जैसे वो डेट हम सब तो कभी एनी डे कहली हमारे पता ना और कौन डे ये तो विभिन्न वोमेन डे है डिसेबल डे है विभिन्न एक टॉपिक्स में सेलिब्रेट करे कौन डे एक खाली की पता लगे हम सब चाहिए कोनो डे मिल जाए लेकिन संजोग एहन भेल कि 12 अप्रैल खाली वाला दिन पड़े जे दिन हमर सबके क्लोजिंग सेरेमनी छै मिथिला के है ना वही डेट के जैसे घोषणा करे के अथी बड़ा रिटर्न हमर सबके कमिटमेंट एक प्रतिनिधि मार्फ पठा के चिट्ठी सही दे के पठल गए कि हम सब जैसे चाहे छे कि अगला साल कि मिथिला के कल्चर के जे रिच कल्चर है ओकर जैसे हारमोनी एंड टॉलरेंस डे के रूप में है कि ना अ पर्पज के लिए हम सब मिथिला कल्चर एंड फेस्टिवल डे के रूप में मनाए ये हमर बहुत बड़का आशा है एक प्रपोजल पेश कर रहे हो पड़े कि आई के बाद में जैसे हर साल होते हैं तो यदि मतलब ये चीज़ तो कहना सपना सपनों में जैसे न सोचल बात है लेकिन एक इंडिया के भूतपूर्व प्रेसिडेंट APJ कलाम कहते कि सपना जब भी बड़ा देखे के चाहिए लेकिन सपना देखले से नहीं होती उसके लिए मेहनतों करे पड़ती है ना इफोर्ट हार्ड इफोर्ट करे पड़ते धैर्य चाहिए अहाँ के है कि ना तो वही अनुसार एक मतलब हम सब सपना देख ली कि मिथिला के कल्चर के प्रमोट करे के लिए कोशिश करी आ वही अनुसार देखियो तो निमन आदमी बहुत संभावना से वह सफल है बहुत संभावना है 30 दिन में वो प्रोक्लेमेशन के जनरल ओकर सिस्टम है तो 30 दिन के अंदर में शायद मतलब न्यूज होती तो हमारे विचार से वो यदि होती तो जनकपुर में दीपावली करे के चाहिए होप लेट्स होप जानकी माता से होते लेकिन आइए जो पत्रकार सम्मेलन चलिए जनकपुर उपमहानगर पालिका प्रमुख जी अपने सेहो चलिए कार्यक्रम में ओहिमे एक सिस्टर सिटी के रूप में सेहो जनकपुर के न्यूयॉर्क के जोड़े के बात कैल गेल छै की छै ओ स्पष्ट कर देना अच्छा सिस्टर सिटी में के कह लागे एक कथी मतलब ओकर अथी देखबे कि दोनों के बीच में हम नाता जुट गेलै सिस्टर सिटी मतलब से नाता बहन के नाता त
तो ऊ होला के बाद कोई कि मोर एक्सचेंज ऑफ रिलेशनशिप अहाँ के होते है ना। तो दोसर चीज कथी है कि अहाँ के आइडेंटिटी के लागी सिस्टर सिटी प्रदान कर छी तो वही अहाँ के वही देश के झंडो जे है से अहाँ के टांगल छी नेपाल के झंडा वही ठाम ठाम अथी नगर पालिका के अगाड़ी में जे है से अहाँ के जते को देश के साथ में सिटी सिटी रहते ते नगर पालिका के अगाड़ी में जे है से झंडा टांगल अथी। तब कहे मत एगो सिटी के यदि मान लें मान्यता भ गए सिस्टर जुट गए तो अहाँ के झंडा वही फरत है अहू ठाम नगर पालिका अगाड़ी में जे है से अथी वही ठाम जे है से अथी रहते रिलेशनशिप के झंडा यहू ठाम अथी करते तो वही के लिए कि अहिया के गवर्नमेंट के अप्रूवल ओहू के गवर्नमेंट के अप्रूवल हो जाए प्रोसेस लंबा है कतलाई तो दुनू के नाता तो लंबा समय के भेली ना तो वही के लिए सर्टेन प्रोटोकॉल मेंटेन करे पर जहाँ झंडे टाँगे के बात है तो झंडा आइए तो कहे टांगे के लिए तो गवर्नमेंट के स्वीकृति चाहिए है कि ना। अमेरिका में तो ऑलरेडी सेट है उस तो कहले है उस के लेकिन नेपाल के लगता है नया वाला बात है नेपाल टांगे देते कि नहीं देते वही में केना होते तो कह के मतलब कहते कि वो गर्व के साथ डिस्प्ले करे कि हमारे नाता जना हम अहाँ कहे कि हमारे अहाँ कुटुम्ब फलाना गाँव में है तेहने किसिम के कहते कि हमारे कुटुम्ब जे से जनकपुर रह गए तो ते किसिम के हम सब बात जे से जर्सी सिटियो में चले न्यूयॉर्क के बगल में जर्सी है बीच में हडसन रिवर है वैसे दोसर साइड में जर्सी सिटी है ये न्यूयॉर्क स्टेट के पार्ट भेल उ जर्सी न्यू जर्सी स्टेट के पार्ट भेल तो उ मतलब बुझू कि सेकेंड न्यूयॉर्क बगल वाला भेल तो ओहू ठाम हम सब कहलिए कि न्यूयॉर्क में न हो तो ओहू में बात चल अबै छै कह के तो वही ठाम जे से ओहू ठाम बात हम सब कहले छी आ न्यूयॉर्को में बात कहले छी आ दुनू में से केम्हरो हो जाए तो हम सब चाहे कि जरूर जे से एकटा नाता बने ताकि हमर सबके जे से बराबर संपर्क ओहिठाम होइत रह आ विकास अभियान में एक दोसर के हम सब सपोर्ट में हम सब हुनका तऽ कथी दे सकबै लेकिन हम सब इहे चीज हम सब अपन धरोहर के बारे में हुनका बता सकै छी कि हमर सबके एहन ऐतिहासिक धरोहर है आइ हमर सबके आ विकास तऽ ओहिठाम है जे से तऽ एक किसिम से दुनू कोई म्यूचुअल बेनिफिट हुनका एहि चीज के अभाव है हमारा वही चीज के अभाव है तो से चीज के लेकिन वो प्रोसेस बहुत लंबा लगे वर्ष दिन लगते कहीं तो होल गवर्नमेंट के थ्रू जाए पड़ते तक बाद में दू गवर्नमेंट के मिनिस्टर सब साइन करे के होते जैसे वो चीज जो है ओहू में जो है से पॉजिटिव जो है से अभी आश्वासन फैले है लेकिन ओकर इमीडिएटली कोनो रिप्लाई अभी नहीं आए आबो में टाइम लगते कि लेकिन जना कि मिथिला फेस्टिवल कल्चर एंड फेस्टिवल डे के तो रिटर्न जो है से चले आ जाए बहुत संभावना है। हाँ ये तो बहुत संभावना है सर अपने संगे के वार्तालाप जारी रहते दर्शकबिन कार्यक्रम अपन सरकार में आजक दिन एक अनुभवी व्यक्तित्व जे यूएन से रिटायर छथि 10 वर्ष यूएन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में काज कने छथिन सामाजिक अभियंता नवल किशोर यादव जी संगे बातचीत कर रहल छी। एखन के कार्यक्रम में एक छोट व्यावसायिक विश्राम दिस छै दर्शकबिन पुनः स्वागत है कार्यक्रम अपन सरकार में आजुक हमरा सबक अतिथि छथि सामाजिक अभियंता यूएन के हेडक्वार्टर में काज के निहार एक अनुभवी व्यक्तित्व नवल किशोर यादव जी हिका संगे बातचीत कर रहल छी। मिथिला आर्ट कल्चर अमेरिका से जनकपुर के जे कनेक्शन छै एक अप्रैल 8 से 12 तारीख धरि 5 दिवसीय मिथिला फेस्टिवल के जे आयोजना कयल गेल रहन ओकर उद्देश्य ओहि पछाड़ी के जे गोल सब छै यावत विषय में बातचीत कर रहल छी। सर आब अगाड़ी बढ़ाब ई जे फेस्टिवल भेलै उद्देश्य की छै लेकिन ड्यू टू मिथिला आर्ट मिथिला आर्ट मेन एकटा रहै देखाबै वाला चीज आब कनिक मिथिला आर्ट के विषय में बातचीत करै छी। मिथिला आर्ट जनकपुर के परिचय दऽ रहल छै निक आमदनी सेहो आब दऽ रहल छै एखन से हम नहि कहब लेकिन निक आमदनी दऽ सकैए मिथिला जे जेन्युइन कलाकार रहै छै जे मिथिला आर्ट बनबै छै ओकरा आमदनी नहि छै बेचैवलाके आमदनी छै केना विकास हेतै एनामे। सही बात है जनकि अब हम जनकपुर नारी विकास केन्द्र से बहुत पहले जुटल छलिए तऽ हम देखली कि ओ क्लियर बर्केट ओहि टाइम में 30 वर्ष पहले स्थापना कलकी काफ़ी प्रयास से लेकिन वही के फाइनेंशियली स्थिति देखिए तो अभी अवस्था निमन नहीं है कि ना। तो कथी है कि अहाँ के खाली प्रोडक्शन कैले से तो व्यापार हो के चाहिए अब नारी विकास से मान लो काठमांडू में भेजे विभिन्न शॉप में दुकान में एहिठाम से मान लीजिए मान लो 1000 रुपया में किनते वो 500 देते फायदा तो बेस पड़ल तेहने अइ से अमेरिका मान लो जते ओहिठाम जे से अहाँ के 20,000 में बिकत है तो कि एक्चुअल जो आर्टिस्ट के जे मान लो कि कहे छे कि जे फायदा जते होय के चाही ते अनुसार नहीं हो सकै छै कतला तऽ जनकपुर में सेले नहि होइ छै जनकपुर में एहिठाम यदि टूरिस्ट आके किनतै
तो डायरेक्टली फायदा हो मिडिल मैन तो न भेटे टूरिस्ट पोखरा काठमांडू रहला घूर गया वही के दोकान से किने तो वही के कारण फायदा तो वही टूरिस्ट के अथी भी व्यापारी वाला जगह के हो रहा है तेना अमेरिका में कोनो आदमी यदि नारी विकास के पेंटिंग लेके जाए तो अमेरिका जो व्यापार करते तेकरा होते तो आप प्रॉब्लम कथी कि डायरेक्ट संस्था केना सेल करते एक की वेले की मान लो या तो जनकपुर में शोरूम बने पड़े कन्वीनियंट बजार वाला जगह में जे डिस्प्ले करे के है नंबर एक है कि दोसर उ मेंटेन करे के लिए मान लो घर भाड़ा तीर पड़े अवस्था घर भाड़ा तीर के है कि नहीं वो आर्टिस्ट के तो मिनिमम तलब पुरान गाड़ो है तो कहाँ से फिर अलग मतलब शोर बनते है शोरूम बनते है अँ बाहर जत टूरिस्ट जगह सब देखो तो टूरिस्ट घुमाबे जाए वाला में विभिन्न जना हैंडीक्राफ्ट वाला शो सब लागू जाए तो गवर्नमेंट सबके जमे सब्सिडाइज टाइप से कह दिले रहे कि किन के आकर सब्सिडाइज करके बेचलक ताकि ओकरा अथी हो अब अठाम हमरा नहीं बुझाए कोनो सब्सिडी देल इवन कि नागरिक विकास केंद्र के वो ये मैनेजर जो है अब सब अहाँ के गाँव के महिला जो पढ़ल लिखल कोनो खास नहीं है उनका बहुत ऑफिस संचालन कहाँ से हो सके तो बाहर के आदमी के लिए पड़े पढ़ल लिखे लिए पड़े कहते हैं विदेशी अथी इंग्लिश में बात करे पड़े आ वो मैनेजर के तलब दे पड़े मैनेजर अनुसार के तलब दे पड़े आ वो तलब के कमा के दे पड़े जे कि अहाँ के एक सामान्य एक महिला अहाँ के मिथिला महिला के बनाएल प्रोडक्ट से बेचे आ बेचे के जगह ऐठान नहीं कि जब तो मुश्किल कथी है कि हुनका सबके मतलब जैसे मेंटेने करना गाँव वास्तव में हम तो मतलब देखी छे बड़ा मन माया लगे छे कि वास्तव में मिथिला आर्ट के जब एक संभावना छे तो राज्य अपन स्वामित्व में लकर नारी विकास केंद्र के प्रोडक्ट सब जते छे ओकरा केना के डायरेक्ट अमेरिका में भेजल जते अइ सब के लेल पहल केला नहीं कर छे हां आब 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 की कहै छे कि जेना आब रास्ता खुल रहल छे जेना कि आब अखन तो पहले की भेले कि जे आब एकर जे प्रचार प्रसार होला के बाद में ई संस्था डायरेक्टली केना बेचे तो बेचे के लिए अब पहला जिम्मेवारी नगर पालिका के नगर पालिका जना कि एकटा मान ली एकटा जगह दे दो कि वो अपन जे से एकटा सामान बेचे के जगह दो ओकरा रूम रेंट में लगे तो कम से कम मेन एकटा जनकपुर के जगह में मेन बाजार वाला एरिया में तो ये वो अपन जे एकटा शोरूम बना के रखे वही आके बेचते तो ओकरा की कि डायरेक्ट जे से कोनो ट्रेडर भी नहीं टूरिस्ट सब चिंतित से फायदा होते केहने अब नगर पालिका है तो ओकरा जे से कुछ मैंने प्रशासनिक अनुदान दे ताकि मैनेजर के तलब कम से कम नहीं तीर पड़े है ना तो वो की होते कि ओकरा कम से फाइनेंशियल बर्डन से में कुछ सहूलियत गवर्नमेंट जो ओकरा सब्सिडाइज कर देते तो की होते कि वो सब कलाकार सब क्रिएटिविटी में बेसी सोचे कि कहना ओकरो सबके तो फाइनेंशियल प्रेशर से मुक्ति होते तो अहाँ के इनोवेशन में लगते नया नया सोच अब अखनी तो ये है कि मैनेजर के तलब केना खियाओ अपन तलब केना खाओ तो क्रिएटिविटी में जैसे अहाँ के डिस्ट्रक्शन हो जाए तो इससे पहला जिम्मेवारी है नगर पालिका के है कि मतलब जो आर्ट है तक जैसे आर्टिस्ट सबके हेल्प के लिए एक बिक्री केंद्र बना स्थापना करे में मदद कर दू है कि नेता की जे इश्यू अथी करे वही कि प्रशासनिक स्टाफ के लिए कम से कम सपोर्ट कर दे ताकि सबके महिला सबके नया नया पेंटिंग के लिए प्रोत्साहन करे कि मतलब कते किस्म के जे है जैसे मान लो पेने जे है से अहाँ के होल्डर होते हैं फोल्डिंग सिस्टम रहते तो लोग सौगो एक नाइट में पैकेट में जाते आ न रहते तो तीनोंगो में अहाँ के भर जाते तो एहन किसी इनोवेशन चाहिए क्या कोनो चीज में नया इनोवेशन नहीं जोड़ब तो अहाँ के कैरी करना मुश्किल तो अ के लिए पहला नगर पालिका तेहने राज्य सरकार दुनू प्रदेश वेले तो एकरो जो है सपोर्ट मैं उन्हें करे पड़े आ तेहन जो कल जना मैं अमेरिका में भी हाँ एक मार्केट होते तो अमेरिको में जो है से मान लो एक कि वही ओहो एक न्यूयॉर्क जगह में एक दोकान रहे थे मान लो एक अथी कॉफी रहे थे अहाँ के अथी लागत कि जन अमेरिका में जते टेम्पल सब है हिंदू टेम्पल सब है वही अहाँ के वृंदावन से टूरिस्ट सब जाए एज ए कर्मचारी के रूप में जाए डेपुटेशन में वो तीन बरस चार बरस के लिए जाए आ फिर सब अबे टूरिस्ट सब जैसे है ना तो तेहन अहूठाम जे से अहाँ के वो एक की कहे कि बिक्री केंद्र एहठाम से गवर्नमेंट के तरफ से एहठाम मैं हो के आईठाम जैसे हमर सबके अथी भी जा सकते तेहन वही आर्ट एग्जीबिशन सब लगे थे महीनों दिन सब गैलरी में रहते वो ये बेचे के लिए अपन आदमी रहते तब न बेचते जे से लेकिन तो आर्ट गैलरी वाला सब मौका दें कि ठीक है अहाँ अपन महीना दिन के एग्जीबिशन में अहाँ जैसे अभी अपन राखू अहाँ बेचू है ना सर्टेन परसेंट वो सब नॉमिनल दे छे बाकी अहाँ ले तो ओहन ओहन मौका में जैसे फायदा उठाए पड़े वही के लिए कि ऐसे आर्टिस्ट के जाए पड़े जाए के हवाई जहाज के भाड़े मान लो एक लाख डेढ़ लाख लगे तो ओकर सपोर्ट के करते नारी विकास मान लो अपना तरफ से नहीं कर सकते तो अ किस्म के कुछ ओकरा सबके ओहन किस्म के सपोर्ट चाहिए कि ताकि वही ठाम जाके और जगह तो मान लो मिला दे जना अमित शाह मान लो है
जेकि ओहिठाम है तऽ कोन गैलरीमे कहिया एग्जिबिशन है केना होतै सर्टेन इन्फॉर्मेशन ओहिठामसँ हेल्प मानि लिअ मिलतै लेकिन फाइनेंशियल तऽ अहो करय पड़ै तऽ एहि किसिमसँ यदि एहिठामके राज्य सरकार नगरपालिका सर्टेन छै नगरपालिका लेवलमे सर्टेन राज्यके लेवलमे होके पहल होइ तऽ हमसभ बहुत ज्यादा एकर विस्तार निमन जे छै मार्केट कर सकै छी। आब कनिक बात करै छी सर, मिथिला आर्ट जेकि सबके ध्यान आकर्षण वा कही अपना दिस आकर्षित कर रहल छै विदेशमे सेहो अमेरिकामे सेहो पर्यटक अबै छै पोखरा काठमाण्डूसँ घुमि जाइ छै जनकपुरके चिन्हारी छै मिथिला आर्ट। ओहि पर्यटक सबके जनकपुरमे आबिकऽ मिथिला कमतीमे मिथिला आर्ट किनैके लेल जानकी मन्दिरके देखऽके लेल सम्भावना कतेक छै, कतेक वैल्यू छै अमेरिकामे मिथिला आर्टके, कतेक आकर्षण छै, की देखने छै, की गमने छै, बुझने छै अपने सर? अच्छा, जेनाकि अब जानकी मन्दिरके आकर्षण यदि हमसब वर्ल्ड हेरिटेजमे एकर नाम यदि दर्ता करा सकी तऽ ऑटोमेटिक साले पीछे जे वर्ल्ड हेरिटेजके लिस्ट निकली छै ओहिमे जानकी मन्दिर रहतै तऽ जतेक टूरिस्ट अबै छै तऽ ओ अभी तक मात्र पहिले वर्ल्ड हेरिटेज किताब पढ़लक कि ओहि देशमे कोन कोन जे है से चीज देखा इवन कोन देश छान ओहिके लागि जे है से वर्ल्ड हेरिटेज पढ़लक या एशियामे जायब तऽ कोन जगह जाइत अछि, है कि ने? तऽ जेना जानकी मन्दिर यदि वर्ल्ड हेरिटेजमे रहै छै दर्जा भेल तऽ हमर सबके ऑटोमेटिक एकटा रहलै कि मतलब क्विस्टेशन जा पड़ै छै तऽ ओहूमे प्रयासमे आदमी चलि रहल छै कि आब कतेक जल्दी मानि होतै लेकिन ओहूमे लागत छै बहुत सम्भावना ओहो जे छै होतै, है ने? तऽ से दोसर चीज भेलै से अहाँके जेनाकि एहिठाम टूरिस्टके संख्या बढ़ा दै छै तऽ जेनाकि अखनी हम न्यूयॉर्केमे देखलियै कौंसुलेट जनरल ऑफिसमे जानकी मन्दिरके पोस्टर पहिले पोस्टर दै छै खाली पशुपतिनाथ किटन जंगल हिमालय लेकिन अखन जानकी मन्दिरके पोस्टर देखलियै तऽ मानि लो आब ओहि कौंसुलेट जनरलके ऑफिसमे जानकी मन्दिर अथी देखै छै, है कि ने? तऽ एकटा गवर्नमेंटोके तरफसँ पॉजिटिव एकटा मतलब डाइवर्सिटीके मैसेज जा रहल छै। आब एहने किसिमके ओहि हम आर्टके हमसब ले जेबै तऽ ऑटोमेटिक ओहिसँ की छै कि एहिठाम जे है से अतै अथी टूरिस्टके संख्या बढ़तै आबैवला दिनमे या नेक्स्ट ईयर 2020 जे गवर्नमेंटके प्रयास छै ओहि अनुसार जे है से अतै। लेकिन अब एगो चीज अइ कतलाइ तऽ ओसब विकसित देशमे रहैवला आदमी एहिठाम अबै छै तऽ ओसब कनिका रेस्ट आ इन्जॉय करै अबै छै, समथिंग डिफरेंट। यदि जनकपुर शहर मानि लू सफा नहि रहतै, जनकपुर शहरमे शान्ति नहि रहतै मानि लू, है ने? तऽ जनकपुर शहरमे कोनो आकर्षण नहि रहतै, खाली एगो जानकी मन्दिर देखते चलि जेतै या आर्ट एगो देखते चलि जेतै, ओकरा दू तीन दिनके कमसँ कम इंगेजमेंट होइके चाही, है कि ने? तऽ ओहिके लागि कथी कि डिफरेंट एरियामे प्रयास करै पड़लै, जेनाकि मतलब जनकपुरके क्लीनलीनेसमे सुधार करै पड़लै, है ने? जनकपुरमे ग्रीनरीके लागि सुधार करै पड़लै। हमसब जेना साई बाबाके पुटपर भी देखलियै, ओहि कथी किछु नहि छै जे लेकिन एगो कॉम्प्लेक्समे शान्तिपूर्ण वातावरण देले छै ओहि भजनके सिस्टम होलाके कारण ओतनेके लागि लोक जाइ छै आओर महीनो दिन कोनो रहै छै, सातो दिन रहै छै आओर बहुत बीजेवला आदमी ओ तीन दिन तक रहै छै तऽ कहै छै बाप रे जाने मन लागि रहल छै, है कि ने? आओर सब एकसँ एक मतलब सीनियर ऑफिसर लोकसभके काठमाण्डूमे फुर्सत नहि लेकिन ओहि अगिला कारण कहै छियै आओरो कनिका दिन बैठे से तऽ ताहि किसिमके भावना यदि देखबै चाहे शिरडी साई बाबामे जाउ तऽ हजारो लोक डेली दर्शन करि रहल, होल शहर होटल खाली शिरडी बाबाके नामे छै, तिरुपति बालाजीमे केने छै। तऽ एहि किसिमके एहिठाम जनकपुरमे यदि हमसब अथी कर सकी तऽ एहिठाम तऽ जे है से अहाँके टूरिस्ट एतेक फ्लो होतै, मतलब एक बगल हमर सबके हिन्दूके आस्था मोदीजी अयलाके बादमे डेफिनेटली बढ़ल अइ, है ने? तऽ तेहने हिन्दूवला जे है से अलगे अतै आओर हमसब इंटरनेशनलवला दुनूके लाइ, है ने? तऽ हिन्दूवला सब तऽ कनिका एहिमे फोरोमे चलि जेतै, कनि ओकरो सबके एरियामे फोर है लेकिन बाहरवला टूरिस्टके लागि सफाइ चाही, है कि ने? तऽ एहिठाम सफाइमे ध्यान देनाइ जरूरी छै, ग्रीनरी होइके चाही। हमरा अपना बुझाइए जनकपुरके जतेक बड़का धरोहर जतेक बड़का पोखरि है यदि हरेक पोखरिमे प्लांटेशन यदि कऽ दी, ओहिठाम कनिका निमन बैठेवला पार्कके व्यवस्था मानि लू कऽ दी, ओहिमे कनिका किछु सुबह शाम म्यूजिकके भजन लगा दियौ तऽ लोक ओहिठाम जेना पुटपर्दीमे जाके ओहिने लोक सात दिन बैठेला आनन्द मानै छै, तेहने अहूठाम जे है से विभिन्न पोखरिके बगलमे पानिमे अपन जे है से अपन कल्पना जे है से देखे आओर ओहि अनुसार जे रहि सकै छै, है कि ने? तऽ एहि लोकके पासमे दोसर शहरमे ई बड़का सुविधा नहि छै, जतेक पोखरि एहिठाम अइ जतेक एहिठाम अहाँकेटी बहत्तर हँ तऽ से एकटा बहुत बड़का अवसर अइ। लेकिन ओहिके लागि मानि लू हमरा बुझाइए प्लांटेशन केनाइ कोनो बड़का टाके बात नहि, है कि ने? हम कहै छियै कि हरेक आदमी अपन जन्मदिनमे एखनटा प्लांटेशन यदि कऽ दै तऽ की होइत जनकपुरमे ओ कतेक पोखरि छल साले भरिमे सब हरियाली होइ कि नहि, लेकिन प्लांटेशन कयलासँ नहि होतै ओकरा हुरकाबूके जिम्मा भेलै। तब एकटा कोनो ने कोनो रूपमे मेयर साहबके हमसब सलाह देलियै कि
मतलब जनकपुर में जाके क्लीन जनकपुर ग्रीन जनकपुर के एक मैसेज देवे के लागे प्लांटेशन के व्यापक करवा वही में जो है से नगर पालिको पार्टिसिपेशन करो जैन कि मान लो प्लांटेशन के पैसा लोग देते हुरकावे के पैसा कोनो आदमी देते तो ट्री गार्ड के व्यवस्था अथी करो नगर पालिका करो है कि ना। आ हम यदि अपन जन्मदिन में यदि हम प्लांट रोपे छे तो ओकरा हुरकावे में जते पैसा लगे छे मान लो ओकरा बराबर पानी पटाए पड़ते अइ के लागि सर्टेन अमाउंट हम अपन खुशीपूर्वक जन्मदिन में एगो प्लांट रोपि के अपन दे दियौ तो कम से कम की होते कि एक अपनो होते कि हम एक स्वच्छ इन्वायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है आ एक अपना मन में कि जगह हम रोपले तो बीच में जाके ममतो रहती देखो करे अं किसिम के भावना यदि बढ़ाए तो मान लू जैसे अठान तो पढ़ल लिखल लोग के कमी नहीं है पैसों वाला लोग के कमी नहीं है तो एक प्लांट अपना नाम से डोनेट करे में कौन सकारात्मक भावना के विकास कर अपने सब अखन बात कर रहे मिथिला आर्ट के लेकिन हमारे यहाँ के घर में मिथिला आर्ट प्रयोग नहीं हो घर में मिथिला आर्ट राख पड़े सही पूरा दरवाजा में राख पड़े जना मेयर साहब के आग्रह के लिए कि अहाँ मिथिला के प्रमोट करे से पहले अहाँ के पहले नगर पालिका में प्रमोट हो पड़े जते वार्ड है हर वार्ड ऑफिस में मिथिला के पेंटिंग हो पड़े मिथिला के पेन होल्डर हो पड़े तब ना बिहान टूरिस्ट आते देखत कि अहाँ के ये है तो ये चीज तो मालूम गवर्नमेंट के तो बजट है हर एक वार्ड में बजट है तो मिथिला पेंटिंग राखे में कितने पैसा खर्चा होते हैं मिथिला के सामान जो कॉपी पी छी से मिथिला वाला जैसे कॉपी कटा दोसर कॉपी है कि ना तो किसिम के क्राफ्ट जैसे राखो तो वैसे कि अँ किसिम करबे तो पहल पहले लीडर के ले पड़े तो मान लो हर एक वड़ा के वड़ा अध्यक्ष में आगे बढ़े पड़े आ अपन चिन्हारी राखे पड़े तेहन हमू अहाँ सब जते सब बुद्धिजीवी लोग हर एक घर में एक मन पड़ल ठीक है अहाँ जे मन पड़े ते किसिम के एगो पेंटिंग जो है जरूर राखू चिन्हारी राखे तब अहाँ घर में कोनो आए तो कम से कम बुझेते कि हाँ वास्तव में मिथिला में तो पहले मिथिला के प्रति अपन पहले आदर भाव जाए पड़े खाली कहलक हम मिथिला के छी भाई मिथिला के लागे अहाँ की कह रहा छी मिथिला के आर्ट के आदर करी मिथिला के कल्चर के भी करी तो ते अनुसार जो हमारा विचार है किसिम के पहल म्यूनिसिपलिटी लेवल में सरकार लेवल में आ व्यक्तिगत लेवल में हुई तो हमारा अपना बुझाइए दू तीन वर्ष के अंदर में ये व्यापक जो है से अहाँ के टूरिज्म के स्कोप है आ ये एक एक हम सब अभी बायोलेटरल मीटिंग में न्यूयॉर्क में सबके हम सब कथी कर जनकपुर इज द सिटी ऑफ कल्चर एंड कल्चर एंड कल्चर रिलीजन एंड कल्चर रिलीजन एंड कल्चर कहे रिलीजन हिंदू के जो कल्चर है कि हमारे सभ्यता के अलग तो ते अनुसार कहे जैसे अ किसिम के हम सब यदि मेंटेन करके देखा सकी आ जे अखनी जना कि मैंने सस्टेन डेवलपमेंट गोल में क्लीन इनर्जी के बात है ग्रीनरी के बात है सस्टेन सिटी के है वही में हम सब जोड़ दी तो हम सब मतलब विभिन्न तरीका से हम सब लीड करे के स्थिति में कि एक नमूना के रूप में कि मतलब जनकपुर जो है से एते बड़का जो है से मतलब अथी जानकी मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज में जाए के प्रक्रिया कत धर पहुँचलै एकदम छोटकरी में एकर हम सब यूनेस्को के जो कंट्री डायरेक्टर छथि कृष्ण मैनहर्ट हुनका हम सब विजिट करबैली एहिठाम अथी करके एहिठाम देखली ओहो बहुत प्रभावित भेलै है ना तऽ आब ओहिमे कथी है कि ओकर प्रपोजल बनाबैके छै तऽ प्रपोजल पहिले एहिठाम से पहिले नगरपालिकाके बना पहिले रहलै पुरातत्व विभाग बनबै छलैए तऽ हमसब पहिले पुरातत्व विभाग बना देते तऽ आसामे छलै बैठल लेकिन बाद में पुरातत्व विभाग अभी संघीयता सब अयला के बाद में वो फिरता लेल कहे कि नहीं अब हमर सब अधिकार नहीं नगर पालिका करो अब नगर पालिका में प्रॉब्लम है कि वही लेवल के स्टाफ नहीं जे कि प्रपोजल बना सके तो हम तो कहीं मेयर साहब यहाँ एक कंसल्टेंट हायर करके एक करबै कह के आ मेयर साहब के कहता एहिठाम प्रोजेक्ट सब एकदम उनको व्यस्तता होला के कारण ओ चीज जे एक मतलब स्पीडी प्रोसेस है से नहीं भर रहा है ना तो ते कारण अब वही में हम सब की चाहिए कि एक परामर्श के बात है तो यूनेस्को मिथिला कल्चर सिटी के रूप में उनके विजिट भेल टाइम में मेयर साहब रहते देखे ले कि हम सब चाहे भानु चौक से लेके जनक मंदिर तक के मिथिला सांस्कृतिक शहर के रूप झलकीने गरी ओ अथी जे गेरुआ रही से आ एक डिजाइन हो एक किस्म के तो बहुत प्रभावित भेल कल कि ठीक है मैं यही काम के लागू हम अहाँ के कंसल्टेंट के अहाँ रिक्वेस्ट करूँ तो कंसल्टेंट के तो हमर से इच्छा छलिए कि जो कंसल्टेंट रहती तही कंसल्टेंट के सहयोग से प्रपोजलो तैयार से छलिए तब अभी लेकिन वही में नहीं प्रोग्रेस भेल छै तो अभी ई बातचीत सब भेल तो मेरे साहब कहले छै कि एक जैसे चिट्ठी पठा के अभी सठी के सब चिट्ठी चल गेल छै तो एहिठाम तो कथी कि यूनेस्को के डायरेक्ट नहीं लिख सके कि अहाँ के लिखे पड़े संघीय मंत्रालय के संघीय मंत्रालय पुरातत्व के लिख दे फिर वही के बाद में जते वही में तो प्रोसेस लंबे है लेकिन अब इस चीज़ के फिर फॉलोअप हम सब फिर करबे आ प्रोसेस जारी है
तब एक तो गवर्नमेंट लेवल में डिसाइड कर तब पेरिस में जैसे यूनेस्को के हेडक्वार्टर में अप्रूवल के लगे तो वो से टोली आके देखते थे के बाद में अप्रूव होते तो प्रोसेस लंबा है लेकिन लंबा है जब शुरुआत करब तो इंड पॉइंट है लेकिन यदि स्टार्ट हो जाते तो एक साल के भीतर में होने वाला चीज है प्रयत्न नहीं छोड़े हाँ प्रयत्न नहीं छोड़े कार्यक्रम के अंत में बहुत कम समय से आप अपने एक यूएन से रिटायर एखन अवकाश प्राप्त भक्त अपन निजी काज करते हुए सामाजिक काज सब से लागल छे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बाद अधिवक्ता से हो आप दू शब्द अपने के जनकपुर के विकास करे के लिए मिथिला क्षेत्र के विकास करे के लिए अखन मिथिलो नहीं कही मिथिला व्यापक है जनकपुरे कही जनकपुर जे आस्था के केंद्र है हमारा अहाँ सबके परिचय है समग्र में एक विकास करे के लिए की करे पड़ते बहुत सुंदर प्रश्न अमे हम दूटा चीज कल एक कथे जनकपुर में पर्याप्त संभावना है अठम जना सार्वजनिक जगह जना है तैसे उ जगह के सही उपयोग मैंने पोखरी में कल ग्रेनेड में यूज कर सके पार्क के रूप में यूज कर सके है ना तेने ये स्कूल सब है वही स्कूल सब पढ़ के हम सब अगड़ी बढ़लिए उ स्कूल सब पहले ओखल ढुंगा सिंधुली के आदमी ये पढ़ सके अब अ कि अखनी हाई स्कूल के विद्यार्थी सब काठमांडू में पढ़ सकते ऐसे लज्जा वाला बात की है तो जनकपुर के विकास के जरूरत क्वालिटी एजुकेशन और ये कॉलेज के हाल सुनबे तो लाज लगे आँसे आँसू आबे बात सरस्वती स्कूल के देखिए तो से नहीं है तो जनपुर विकास करे के लिए जल्दी तक एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन में नहीं सुधार करबे तो भावी संतति निमन नहीं होते तैसे एगो फोकस तो शिक्षा में सुधार होते चाहिए है ना सेकेंड जो है अहाँ के सफाई सफाई से जैसे अहाँ के सोचो में बदलाव आबै छै आ टूरिस्टो सब अहाँ के तो क्लीननेस होय के चाही सफाई के लागी नगर पालिका पर मात्र छोड़ संभव नहीं छै है ओहिठाम मेयर साहब देख के अलग कि अमेरिका में कम किसी के सफाई अलग जैसे शीशा रखे वाला बिन अलग है खो रखे वाला अलग है कागज वाला अलग है लेकिन अहिठाम हरेक लेन में जेबी हरेक में दू चार ऑफिसर दस टा ऑफिसर रिटायर या अथी है लेकिन ओहो लेन में सफाई अहाँ के नहीं देखे छी मान लो नगर पालिका बिन दे दे आ वही टोलवासी सब यदि मान लो दू दू सौ रुपया उठबै छै तो वैसे एगो मतलब ओकरा नौकरी मिल जाता वो हरेक दिन जैसे सब ला के अथी कर देते तो ये नाइन टू चीज है लेकिन ये सब कुछ भावना है यदि हम सब एहिमे समाज के जुटा सकी एक शुरुआत सर्टेन एरिया से शुरू करी आ एक तो विस्तार करी अनुसार करी तो सफाई जो है से होला के बाद में अगर मच्छर के प्रकोप एक जो हाइजीनिक जो है तो वो होती तो एक सब मतलब क्लीनिनेस के बहुत बड़का जरूरी है अथी शिक्षा जैसे कहली दोसर टूरिज्म हम कहली पर्यटन के बहुत संभावना है उ जे एक बेर जे टूरिस्ट आते बैठल न रहते तो कहीं ना कहीं घूमते गाड़ी भाड़ा लेते होटल में खते कुछ सामान किनते तो हमरा सबके बहुत बड़का टूरिज्म टूरिज्म के लागे जे से तेमे हम सब पहल करी आ एक मिथिला के माध्यम से है अहाँ के आ एक जैसे एरिया के जना एक टूरिज्म हमरा जोड़े के ना जैसे जलेश्वर महादेव जोड़े के है ओनी सलेशो जोड़े के है और धनुषा धाम जोड़े के है अ किस्म से पैकेज बना देवी तो अति तो जैसे दू दिन जैसे मजा से आ कुछ जगह जे निमन पार्क रहते म्यूजिक रहते धुन रहते वही आके तो बैठ के महीनों महीनों दिन तक अपन गुजार देती सब है जना फुट पर दिन होती है सजा में तो ते किस्म से हमारा विचार से टूरिज्म टूरिज्म फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार भर रहा है जो कि बहुत बड़का खुशी के बात है कि ना तैसे टूरिज्म पर फोकस हो जाए एजुकेशन के क्वालिटी इम्प्रूव केना होते है ना से चीज आ तक क्लीननेस मस्ट जो है मतलब जैसे ये तीनों चीज कोनो बड़का टा के बात नहीं भीतर के खाली इच्छा शक्ति के बात है सब कोई पढ़ल लिखल लोग छी अहिठाम सम्पन्न लोग सब है ना तो इठाम जैसे ये मामूली चीज करेला कोनो दिक्कत नहीं है ना तो हमारा विचार एक किस्म से सबको जुट के करी जनकपुरवासी के अपन बारी के पतुआ तीत नहीं देख पड़े है ना एत के जे एकावन कुटी भद्र कुंड से पोखर सबके महत्व बुझे पड़े धार्मिक संपदा सबके चिन्ह पड़े ओकर संभावना के गम पड़े आ वही अनुसार गाड़ी बढ़ पड़े अमूल्य समय दिली सर बहुत बहुत धन्यवाद अपने के धन्यवाद मौका दिली कई तरह के धन्यवाद दर्शक बिन कार्यक्रम अपन सरोकार में आजक दिन बातचीत भेल नवल किशोर यादव जे यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में 10 साल काज करे छथिन एखन अवकाश प्राप्त छथि मुदा एक सामाजिक अभियंता के रूप में मिथिला क्षेत्र के लेल जनकपुर के लेल काज कर रहल छथिन बीतल अप्रैल 8 तारीख से 12 तारीख धरि यूएसए न्यूयॉर्क में जाकर मिथिला फेस्टिवल के आयोजना कलखिन आ मिथिला आर्ट कल्चर के विषय में ओत व्यापक रूप में प्रचार प्रसार में सेहो योगदान देलखिन कार्यक्रम अपन सरकार में अहिना प्रत्येक एपिसोड में विशेष व्यक्तित्व संग विशेष सरकार पर बातचीत करबाक लेल उपस्थित होयब कार्यक्रम के निर्धारित समय सम्पन्न भेल एखन के लेल आज्ञा चाहै छी नमस्कार।